हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल की पूर्व संध्या पर ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन ने निकाली कैंडल मार्च, विभिन्न बैंकों के अधिकारी हुए शामिल। गोरखनाथ पुलिस ने 3 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार, 6,000 रुपए, आधार कार्ड और बाइक बरामद, एसपी सिटी ने किया खुलासा। 22 दिसंबर से चलेगा दुकानों के कूड़ा हटाने और पॉलीथीन पर अभियान, महापौर ने दिखाया तेवर, कहा सुधर जाए गृह स्वामी और दुकानदार, नहीं तो होगी दंडनात्मक कार्रवाई। चिलवाताल पुलिस ने चोरों के रैकेट का किया खुलासा, 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, चोरी के सामान बरामद, एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। जिला महिला चिकित्सालय के नवागत प्रमुख अधीक्षक ने संभाला कार्यभार, कहा महिला अस्पताल को सर्वोत्तम बनाए रखने की रहेगी प्राथमिकता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र संगठन द्वारा किए गए कार्यक्रम के विरोध में NSUI के सदस्यों ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अंत्येष्टि स्थल पर रेत शिल्प के माध्यम से युवा कलाकारों ने दी श्रद्धांजलि। राप्ती तट पर भव्य स्मारक और राजघाट पुल को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल राष्ट्रीय राजमार्ग सेतु करने का किया मांग। 5 दिवसीय ललित कला महोत्सव का मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया अवलोकन, छात्र छात्राओं की प्रतिमा को मुख्य अतिथि ने सराहा। क्रिसमस पर्व के अवसर पर मसीही समाज ने निकाली कैंडल लाइट सर्विस, प्रभु यीशु मसीह को किया याद। और उज्जवल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट में KS टैलेंट ने सेंट एंड्रयूज क्रिकेट टीम को 6 विकेट से हराया।